एक और अहम जानकारी आ रही है जिसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, मामन बिहार इलाके में भरा सीवरेज का पानी। आपको बता दें मामन बिहार इलाके में सड़कों पर जमा हुआ है सीवरेज का गंदा पानी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीवरेज का किस तरीके से गंदा पानी जमा हो गया है। पानी में निकासी में जुटे हैं तमाम लोग, उसे निकासी में जुटे हुए हैं। बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। वाहनों को निकलने में तकलीफ हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ है जिसकी वजह से तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम कर्मचारी, निगम कर्मचारी इसको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं सीवरेज का पानी निकालने की। मैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से भारी सीवरेज का पानी वहाँ पर भर चुका है, सड़कों पर जमा हुआ है ये सीवरेज का गंदा पानी जिसकी वजह से वाहनों को निकलने में भी तकलीफ हो रही है और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी खासा तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार निगम कर्मचारी के जो लोग हैं वो इस सीवरेज के पानी को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार इस पानी को निकाला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है कि सीवरेज का पानी सड़कों पर आ गया है और पानी निकासी में जुटे हैं निगम के तमाम कर्मचारी कि जल्द से जल्द ये पानी सड़कों से निकाला जा सके।